everyone and welcome to Madness Machayenge. इसलिए मैंने एक हट्टी की है पूरी इंडिया से एक मैड गैंग. तो गाइस हमने अपनी मैडनेस के ये सारे पत्ते तो खोल के रख दिए आपके सामने. अब बारी है हमारी मैडनेस का आखिरी पत्ता शो करने का. आपने एकदम सही बंदा चुना है. आप बैठ के आराम करो, हंसो, पागल हो जाओ. मैं सबको संभाल लूंगा, मैं आपको भी संभाल लूंगा. हेलो एंड वेलकम टू मैडनेस मचाएंगे, इंडिया को हंसाएंगे. आप लोग ये सोच रहे होंगे कि हुमा आ गई, सारे हमारे सारी टीम आ गई है, सारे परफॉर्मर्स आ गए, ये बंदा है कौन? देखो ऐसा है कि ऐसी कोई बात नहीं है. 9:30 बजे आप लोग को क्या आदत है, सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन पे आप म्यूजिक देखते हो, आप डांसिंग देखते हो, हमारी कॉमेडी की दुकान है. हम हंसाने आए और बाई गॉड हंसा के जाएंगे. कानपुर का लड़का हूँ मैं, उत्तर प्रदेश में रहता हूँ. मैं कचौड़ी समोसे खा रहा था परी भैया, सोनी वाले ने हमको फोन किया, कह रहे हैं मुंबई आ जाओ शूटिंग करनी है. हमने कहा आप उत्तर प्रदेश आ जाओ, यहाँ बेटर होती है. क्या बात है, कह रहे हम एक शो बना रहे हैं. मैंने कहा जब बन जाएगा तो हम देख लेंगे. कह रहे आपको लेके शो बनाना है, हमको लेके. कह रहे आप वो शो चलाओगे, हमारे माँ बाप ने हमको बचपन में साइकिल नहीं लेके दी, ये नहीं चला पाए. जवानी में हमारी गर्लफ्रेंड ने हमें रिलेशनशिप नहीं दी कि इससे नहीं चलने वाली, और सोनी वालों ने शो दे दिया आपको बॉम्बे. ये 9:30 बजे का जो सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन का टाइम है ना, इस पे आज तक के सबसे बेहतरीन शोज जो हैं वो फेमस हुए हैं, वो वायरल हुए हैं, और सब यहीं से स्टार्स बन के निकले. इनफैक्ट सोनी वाले खुद प्रेशर में थे. मेरे को 18 पेज का कॉन्ट्रैक्ट भेजा, हर पेज में यही लिखा हुआ था प्लीज हंसा देना. दो डॉट लगे हुए हैं भाई वहां पे. मैंने कहा ये क्या कह रहे, हमारे आंसू हैं पोंछ दो. मुझसे सोनी वालों ने पूछा कैसे करोगे, मैं तो आपसे बोल दे रहा हूँ कि मैं पहली बार टीवी पर आ रहा हूँ, एक तो मैं इमोशनल हूँ, दूसरा मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि तुम्हारे तुम्हारी माँ की कसम है अगर तुमने चैनल चेंज किया. जिंदाबाद. रिमोट नीचे रखो, कहाँ जा रहे हो देखने, न्यूज देख देख के तुम्हारा बुरा हाल हो चुका है. नहीं तो अरे वो एसी का रिमोट है. अरे मैं जब से शूटिंग पे आया हूँ परेशान हूँ भाई, 3-4 घंटे से मैं यहाँ शूट कर रहा हूँ. एक बंदा हर थोड़ी देर में मेरे कान में आता, कहता हंसा लोगे ना. मैंने कहा भाई तू कौन है, तू चैनल से है, तू मीडिया है, तू प्रोडक्शन है? कह रहा नहीं मैं हुमा जी का ड्राइवर हूँ. मेरी सैलरी और उनके नए घर की किस्त इस शो पे डिपेंडेंट है. हर्ष देख तू बहुत अच्छा कर रहा है, बट ये चैनल को खुश करने के लिए, इंडिया को खुश करने के लिए कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ेगा. मुझे ऐसा लगता है कि एक्स्ट्रा के चक्कर में आज तक प्रॉब्लम हुई है. आपको क्या लगता है क्यों? क्योंकि क्या है ना कि मैं यहाँ शो में आ रहा था, मुझे मेरे दोस्तों ने बोला तू पहली बार टीवी पे आ रहा है, कोई बॉडी वॉडी बना ले थोड़ी सी. बॉडी भी तो आगे निकल गई है ना, पहले 6 पैक तक रुके हुए थे, आजकल मैं बॉलीवुड के सारे स्टार्स देख रहा हूँ ये 10-10 पैक लेके घूम रहे. क्या इन्होंने 4 रेंट पे देने? नहीं नहीं तो पिताजी हमारे मिडिल क्लास फैमिली, हम लोग को नहीं पता क्या होते हैं. मैंने अपने पिताजी से बोला, मैंने पापा मैं 2-3 पैक बना लूं. कह रहे बेटा शाम तो जाने दे. वाह 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 वाह. मेरे पिताजी के अगले जोक में तो आप पागल ही हो जाओगे भाई. मेरे से कह रहे बेटा यहाँ से पानी डालोगे ऐसा लगेगा पहाड़ों से नीचे. कौन समझाए इस आदमी को, कैसे समझाए इस आदमी को. मैंने कहा पापा 1-2 ऐप तो मैं बना लेता हूँ. कह रहे बेटा जहां तक मुझे पता है तेरे में सारे ऐप हैं और किसी ऐप की. और ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम लड़के करते हैं एक्स्ट्रा, या औरतें कम एक्स्ट्रा करती. ओह अरे भाई मम्मी मेरी है, जब भी ऐसे किचन में खाना वाना बना के एकदम तैयार होती कि आज शाम को हमने डिनर पे जाना है. खाना बना क्यों रही थी तुम जब डिनर पे जाना? और दूसरी बात फिर उनके घर में डिनर पे जाती तो उनकी रसोई में घुस जाती कि बहन जी कुछ एक्स्ट्रा है तो मैं कर लूं. अरे बैठ जाओ यार. ये औरतें ऐसी हैं. सो ट्रू, वेरी ट्रू. मेकअप देखो इनकी, परतें देखो मेकअप की, जितनी भी औरतें ऐसे ऐसा लच्छे पराठे में इतनी परतें नहीं. कुछ भी ये गलत है. इतना भी मेकअप नहीं लगाती यार मैं, गाइस कम ऑन, इतना लगाती हूँ क्या? नहीं नहीं आप बहुत सुंदर हो यार, हूँ मैं फैन आपकी, आपकी एक्टिंग के यार, मतलब आप ही के बाद तो परमिशन वाला चीज चालू हुई है. उससे पहले क्या करते थे? बिना परमिशन. परी भाई चुप रहो, पहला शो है यार.
हमने काफी हंसी मजाक कर लिया. ये हमारी फैमिली है और ये 3 महीने चलने वाली, हम लोग साथ में रहने वाले. एक बार अपने लिए हम लोग राउंड ऑफ अप्लॉज कर लेते हैं. ठीक है, फ्रेंड्स को बुलाने का टाइम है. और जो मेरा आज का जो फ्रेंड आने वाला है भाई, बहुत वायरल है भाई वो. मतलब इतना वायरल है ना, मैं बता, रोज वायरल होता है वो. अरे, आर यू गाइज रेडी टू कॉल हिम ऑन स्टेज? आर यू गाइज रेडी? प्लीज वेलकम ऑन स्टेज द सेंसेशन मुनव्वर फारूकी. क्या बात है मुनव्वर. मुनव्वर के बारे में एक फैक्ट मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमने मुंबई में इकट्ठे शोज भी किए हुए हैं. और जब मैंने वीडियोस डाली थी अपनी सबसे पहले सोशल मीडिया पे और मैं 50 टिकट बेचने लग गया था, तो मुनव्वर मुंबई में जब मैं शो करने आता तो मेरे लिए शोज ओपन करता था. 10 मिनट का स्पॉट होता था भाई का. और आज हमारा पहला शो है यहाँ पे, हम ओपन कर रहे हैं और मुनव्वर गेस्ट है भाई. लेकिन आज भी हर्ष भाई का शो मैं ओपन कर रहा हूँ. मुनव्वर देखने में सच में बहुत प्यारा है भाई, अगर आप ध्यान से देखें भाई. मतलब मुझे आज समझ में आया कि लड़कियां आज भी इसको मुन्ना क्यों बोलती. वैसे मुनव्वर डोंगरी से है और मैं कानपुर से हूँ, उत्तर प्रदेश से हूँ. मुनव्वर, हमारे जो शहर है उनकी वाइब जो है वो बहुत ज्यादा मैच करती कि नहीं करती? बहुत बहुत. लॉन्डो वाला फील है भाई, जो लड़कों वाली फील है. मतलब मैंने अभी इसकी एक वीडियो देखी थी कि ये डोंगरी आया था और भीड़ ऐसे आ रखी थी भाई. मतलब एक के ऊपर एक चढ़े जा रहे हैं, मुनव्वर को खींच रहे हैं, इधर से उधर खींच रहे हैं. मैं भी कानपुर गया था, सेम तरह की भीड़ थी भाई. लेकिन मैंने ऐसा कुछ किया भी नहीं था, मैंने सिर्फ एक पान मसाले की पुड़िया ऊपर करी और इतना पूछा था ये किसकी है. ये अगर तुम डोंगरी पे भी करते ना भाई, तो वो तुम्हारी पान मसाला के साथ हाथ भी लेके जाते. लेकिन ईमानदार लड़के डोंगरी के भाई, वो हाथ वापस करते. मैंने तेरे कहीं जोक सुने थे मुनव्वर, जिसमें तूने काफी यहाँ नागपाड़ा का राइडर और ऐसे बाइक बाइकर ना बाइकर, बाइकर क्रेजी हमारे यहाँ पे भाई, बहुत क्रेजी. मतलब पिज्जा डिलीवरी बॉय भी अगर है ना हमारे यहाँ का, तो वो टाइम से पहले पिज्जा डिलीवर करता है. मतलब वो ऑर्डर करने वाला भी थक जाता है कि कभी तो फ्री खिला दे. हमारे कानपुर में एकदम ही अलग है भाई. पिज्जा डिलीवरी वाला पिज्जा लेके आता है, लड़के पिज्जा भी रख लेते हैं और बाइक भी रख लेते हैं. कि हमारे पास बैठने की जगह नहीं, हम तेरे बाइक पे बैठ के ही खाएंगे. लेकिन भाई तुम ये सब छोड़ो, डोंगरी पे कभी आओ ना, मैं आऊंगा भाई, खाना खिलाता हूँ भाई. इतना इतना क्रेजी खाना मिलता है ना, तुम सब भूल जाओगे. अच्छा, जैसे तू लड़कियों को वादा करके भूल जाता. मुनव्वर के फैंस, मैं इसका फैन हूँ, ऐसी कोई बात नहीं. हम लोग भाई स्पोर्ट्स में कितने आगे हो गए हमारे शहर भाई. हमारे मैराथन का इंतजार भी नहीं करते हमारे कानपुर के लड़के ना, ऐसे ही भागते चले जाते. भीड़ भाग रही है, पता नहीं कहाँ जा रही है. वो आगे जो है वो चेन लेके भाग रहा है, ये लोग पीछे से चिल्ला रहे पकड़ो 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 पकड़ो. हजारों लोग भाग रहे. तुम्हारे यहाँ तो मुझे लगता है डोंगरी में एक स्टेप आगे निकल गए होंगे भाई. हमारे यहाँ भी खेल है, मतलब छुपम छुपाई सबका फेवरेट. लौंडे ऐसे छुपते, पुलिस ही आगे ढूंढती है. वो धप्पे के निशान लेके कहीं और घूमते हैं. अरे मुनव्वर, पुलिस यहाँ धप्पा नहीं देती भाई. मुझे बता रहे हो. लेकिन हर्ष भाई मजा तो आ रहा है ना? बहुत मजा. क्या लाइफ जी रहे भाई लौंडे लोग. भाई छोटे छोटे शहरों के लड़के टीवी पे आ गए हैं और मजा आ रहा है. इतना अटेंशन मिलता है ना, इतना अटेंशन कि इतने रिश्तेदार है, उनका डीएनए रोज मैच हो रहा है. और रोज एक मैसेज आता है कि अरे तू तो हमारी गोद में खेला है. मुझे याद भी नहीं है. करेक्ट भाई, आपको वैसे भी नहीं याद रहता आप किसकी गोद में कब खेले हो. बट क्या मजा आया. राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर मुनव्वर. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच. पहला एपिसोड है, जैसा हमने वादा किया था, मैडनेस मचाएंगे. हम लोग मचा रहे हैं कि नहीं मचा रहे? उमा, हम लोग मचा रहे हैं भाई. उस मैडनेस का जो पार्ट है जिसकी वजह से इतनी मच रही है, ऑफ कोर्स मेरा भाई मुनव्वर फारूकी आया हुआ है. और सेंसेशन है, क्रेजी फैन फॉलोइंग है मतलब, और टैलेंट भी उतना ही है. तो कभी ऐसा कोई मुनव्वर क्रेजी फैन मिला हो जिसने मतलब कुछ अलग ही हरकत करी हो, तो ऐसा हुआ कभी? भाई ऐसा बहुत बार हुआ है, बट एक बहुत ही अतरंगी हरकत हुई थी. मैं अपने होम टाउन गांव जूनागढ़ में वापस गया था बहुत टाइम के बाद. अच्छा. तो वहाँ फेमस हो चुका था मैं, तो वहाँ जब पहुँचा तो 200-300 लोग तो स्टेशन पे वेट कर रहे. ओ भाई. तो मैं बाय रोड आ रहा था.
तो वहाँ पे इतने लोग जमा हो गए थे, तो एक तो मुझे यही सुन के थोड़ी हंसी आई, और बहुत प्यारे लोग हैं यार। अब मैं घर पे पहुंच गया, 200-300 लोग मोहल्ले में भी थे, तो मुझे ना कैसे कैसे घर में घुसा दिया अंदर के, भाई इतनी भीड़ हो चुकी है तो तू घर में चले जा, और गेट के पास 2-3 लोगों को खड़ा रख दिया कि कोई अंदर ना आए। तो मैं फिर गया, मेरे बड़े पापा वगैरह सब थे, उनसे मिला बैठा, खाना वाना खाया ये वो, और थोड़ी देर के बाद मैं देखा ना तो इंस्टाग्राम वगैरह पे सारी जो वीडियोज जो मेरे घर के अंदर की, वो सारी वीडियोज आउट है। तो मैंने बोला ये घर की वीडियोज कहाँ? तो एक लड़का था वो जो भीड़ के साथ ना, वो सबके साथ बैग उठा के अंदर आ गया था। मैंने जैसे वीडियोस देखे मैं समझ गया कि किसने लिए। मैं बोला यार वो व्हाइट शर्ट वाला लड़का कौन था? तो बोले हमको लगा तुम्हारे साथ बॉम्बे से आया। लव इट। तो आई थिंक वो बहुत क्रेजी हरकत करा था उसने। काफी क्रेजी है भाई, काफी क्रेजी। बट ये है मेरा भाई, फैंस आ रही हैं। मुनावर भाई दो रियलिटी शो जीत चुके हैं, मतलब कैमरेज में 30-30 दिन रहते हैं, 30 दिन रहते हैं, सही कह रहे एकदम। इतनी आदत पड़ चुकी है अब कोई भी काम करते हैं एक दो कैमरे तो लगवा के ही करते हैं। औरतों की इतनी इज्जत करता है ना, आपके साथ देखो इतनी देर से बैठा हुआ, कितने प्यार से इज्जत से बात कर रहा है, बहुत इज्जत, औरतों की इतनी इज्जत करता है मेरा भाई, मैं तो सही बता रहा हूँ। मतलब एक लड़की ने इसको प्रपोज किया, इसकी बातचीत चल रही थी, उसने बोला कि मैं शादी के बाद खाना नहीं बना पाऊंगी। उसको कह रहा कोई जरूरत नहीं, मैं ऐसा हुई नहीं, कोई जरूरत नहीं तुम्हें खाना बनाने की शादी के बाद, उसके लिए मेरे पास दूसरी है। इतना स्वीट आदमी है ना, इसको कोई लड़की हायलो भी करती है उसको कबूल है बोलता है। और इसी स्वीटनेस के तो हम लोग कायल हैं, क्या कहते हो आप लोग? इसी स्वीटनेस के, इसी प्यारेपन के, चाहे हम टांग भी खींच रहे हैं भाई, यहाँ तक आ गया, गले लगा लिया, मतलब स्पोर्टी पूरा है। और मुझे इसके बारे में काफ़ी इन्फॉर्मेशन और पता लगी, ये मैंने नहीं लिखा भाई, ये तेरा एक बचपन का दोस्त था जिसने मुझे बताया, और वो कहता है मुनावर को मैं अच्छे से जानता हूँ, हम चड्डी बड़ी हैं, हम ये हैं, हम वो हैं। मैंने कहा बुला लेते हैं भाई, अगर तू मिलना चाहता तो मैं उसको बुला लेता हूँ भाई, अगर बुलाओ बुलाओ भाई, मैं तो मिलना चाहता हूँ। हाँ तो आ जा भाई, छोटा चपरी कहाँ है तू, आ जा मुनावर के दोस्त। क्या बोलता है बच्ची, तुम तो सारी छपरी लग रहे हो, कौन है तुम में से छोटा छपरी? छोटा छपरी मैं हूं, पहले ये बताओ इनमें से मुनव्वर कौन है? अरे तुम तो कह रहे हो तुम उसके बचपन के दोस्त हो, डोनाल्ड ट्रंप बैठा हुआ है। अरे बचपन में किससे गलती नहीं होती है भाई, बचपन में क्या मालूम किसके साथ बैठना है किसके साथ उठना है। ए? चलो निकलो, तुम्हारा ब्लड बैंक में खून देने का टाइम हो गया। अरे मच्छरों का भी ब्लड बैंक होता है ना भाई, दो घूंट निकाल के खत्म हो जाता है, ये ले मर। भाई का दोस्त है तो भाई शेर सुनाएगा। भाई का शेर आने वाला है, फेंक के मारो। हाँ इरशाद इरशाद। अक्कड़ के साथ बक्कड़ रखते हैं, दो पेचका से एक पक्कड़ रखते हैं। क्या बात है, क्या बात है दादा। अक्कड़ के साथ बक्कड़ रखते हैं, दो पेचका से एक पक्कड़ रखते हैं, और भाई के खिलाफ कुछ नहीं बोलना, हम लोग मुंह में गाली और हाथ में थप्पड़ रखते हैं। वाह भाई, शायरी तुम्हारी थी तो बेकार। तो भाई इनका दोस्त हूं तो क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो? भाई मेरा क्या है ना, मैं इसी लेवल का जोक सुनाता हूँ, क्या है ना, मैं मुनव्वर एक जैसे। अच्छा भाई के क्या फैन लोग हैं भाई, पूरी लिस्ट है अपने पास। अरे दिखाना ना भाई, ये देखना भाई, उधर से पढ़, उधर से पढ़। ये क्या है, अंकिता आए। अरे सॉरी सॉरी सॉरी, ये भाई की ना गर्लफ्रेंड वाली लिस्ट खुल गई। ये ले रहे, अगर आधे घंटे में इसमें 6 नाम बढ़े हुए नहीं दिखे तो मैं पीटेगा तुम लोगों को। भाई के फैन की लिस्ट तो मेरे पास है ना। भाई अरे कान में रखा था, कानपुर लेना। ये क्या है भाई, असलम कांदा, इबू हटेला, ये तो 3 ही नाम है। अरे अपने को गिनती 3 तक ही आती है ना भाई, फैन बहुत है, मेरे को 3 तक गिनती आती, मैं कम पढ़ा लिखा हूँ, मैं थोड़ा जाहिल किस्म का हूँ, क्या है ना, मैं मनोवर एक जैसे। क्या है ना भाई, जिस दिन उधर आए थे ना अपने मोहल्ले में, अक्का दिन पब्लिक रोड पे ही थी भाई, महीना महीना चिल्लाते रहे शो में कि ट्रॉफी डोंगरी आएगी, ट्रॉफी डोंगरी आएगी, जिस दिन ट्रॉफी डोंगरी आई खुद भीड़ में फंसे हुए थे, पहुंच नहीं पाए। इधर भी बताना भाई, आप तो बचपन के दोस्त हो ना, आप कहां हो इसमें? मैं कहां हूं? टायर, ये तो टायर का निशान है, उसी गाड़ी के नीचे अपन दबे थे भाई। बहुत भीड़ थी ना, जब से इधर टायर का निशान हुआ है मालूम कितनी प्रॉब्लम होती है,
बिना कुर्ते के सोया रहता हूँ, छोटे बच्चे जगह के डंडा लेके ऐसे दौड़ाने लगते हैं मुझे यार। लेकिन भाई क्या पैसे वैसे कमाए ना भाई? मैंने सुना है बहुत पैसा चीरा है। बीबी से भाई को 20 लाख रुपए मिले। हमने सुना 50 लाख की रकम थी भाई वो। 30 लाख रुपए भीड़ जुटाने में खर्च हो गए ना यार। भाई 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 एक मिनट, उस दिन का तुम्हारा रह गया था। थैंक यू भाई, थैंक यू भाई, थैंक यू भाई, थैंक यू भाई। मेरे को पंचर का पैसा मिल गया। ज्यादा दे दिया क्या 40 रुपए? ये ओवर एक्टिंग का काटते हुए। बहुत अच्छे। और उस भाई को बाइक पे पुलिस ने पकड़ लिया हुआ। हाँ। बोला मुंह खोलो। हाँ। तो बोला बचपन की गलती है, मैंने किसी का मर्डर कर दिया था, दांत से काट के मुझे छोड़ दो। बोले एड़े मैं ड्रिंक एंड ड्राइव का पूछ रहा हूँ तुझसे। थोड़ा लेम जोक था ना? लेम जोक था। क्योंकि मैं और मुनव्वर एक जैसे हैं ना। मुनव्वर भाई इसको आप चुप करा दो या तो मैं इसको चुप करा देता हूं। अरे मुझे कोई चुप नहीं करा सकता, मैं ढीठ हूं। मैं ढीठ हूं क्योंकि मैं और मेरा मुन्ना दोनों एक जैसे हैं। भाई ये आर्ट फॉर्म रोस्ट, जैसे हर्ष भाई आपको पता है कि लाइक मुझे कभी भी कोई ऐसे भी बोलते कि जोक, तो मैं बोलता हूँ यार मैं जोक नहीं ले पाऊंगा तो यार मैं कैसे एक्सपेक्ट कर सकता कि लोग मेरा जोक ले सके। हम कभी भी फेमस लोगों पे, सेलिब्रिटीज पे जोक करते तो लोग बोलते हैं यार मत क्या करो, उनके फैंस ऑफेंड होते, ये होते वो होते। इन्होंने मुझे रोस्ट किया, मुझे नहीं बुरा लगा। और मैं चाहूंगा मेरे जो फैंस देख रहे हैं वो भी इन पे ऑफेंड ना हो। मैं भी चाहता तो इन पे कर सकता हूँ, बट इनके फैंस ही नहीं है। This is the best roast I have ever seen. क्या किया है यार? मतलब आप और मैं एक जैसे हैं। जो आपने किया है ना, ओह मजा ही दिला। सबसे बेस्ट गली थी, कहीं पे भी कुछ भी पंच भी नहीं निकला तो ये आ जाओ इसमें। टू गुड, टू गुड, बहुत मजेदार। तुम दोनों की जुगलबंदी बहुत मजेदार। और अच्छा हर्ष, अच्छा हर्ष भाई भी थे क्या इसमें? क्योंकि आप और मैं दोनों एक जैसे हैं। हमारे मैड ग्रुप ने बनाई है जानवर। भाई क्या कर रहे हो यार? मेरे और मेरे पापा के बीच में कोई भी आएगा उसका यही हाल होगा। अरे छोटी मेरी चप्पल किधर है? अबे छापड़ी के, तू मेरी चप्पल इधर कैसे लेके आया? बोल छापड़ी के, बोल मेरी चप्पल कैसे हुई भाई पे चिल्लाने की? अरे अभी मक्का भी लेके आओ, ये क्या चल रहा है? तुमको नीचे उतारो, यही तो मेरे पापा है। इनके लिए दुनिया चलानी है, अगर इनको कुछ हो गया तो फिल्म में आगे क्या होगा? बलबीर जी, अरे अरे ज्योति ज्योति संभाल कर, अभी बुझ जाती। बलबीर जी। हाँ जी दसो। छापड़ी के माए बलबीर है माए, तो मैं भी बलबीर हूँ। अरे लेकिन वो बीवी तो मेरी है ना। ओ वो का क्या मतलब है? बेटा अभी वो तेरी माँ को गले लगाने वाला था, तू बोलता क्यों नहीं? पापा हाँ आप समझिए, ये माँ और बेटी की फिल्म नहीं है, ये बाप और बेटी की फिल्म है। अगर उसने आपको गले लगाया होता मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ दुनिया चला देता। पापा पापा समझे ना पापा। भाई समझ रहा हूँ, भाई समझ रहा हूँ बेटा साहब। बलबीर जी। हाँ बोलो। आपकी फोटो पे किसी अपराध ने देखिए कितना गंदा कमेंट किया है। व्हाट? मेरी फोटो पे कमेंट आ गया? पहले कमेंट पढ़ो सारा, झोपड़ी जो है निकल जाएगा। क्या कमेंट किया? लिखा है बलबीर का मुंह देखो, ऐसा लगता है किसी छोटे बच्चे ने इंजेक्शन लगाने से पहले बम टाइट किया है। एक मिनट छापड़ी गए,
इसको मेरे मुंह से क्या प्रॉब्लम है? क्या मेरा मुंह सच में ऐसा दिखता है? नहीं बेटा, हाँ तू उसको छोड़ना मत बेटा। नहीं पापा, उसे बदला लेना। हाँ पापा, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। ये मेरा बेटा है, ये बेटा है मेरा। मैं उसको बिंडर पर लड़की की फोटो दिखा के लड़का पटवा दूंगा पापा। ये मेरा बेटा है, मेरा भी। मैं दुनिया चला दूंगा पापा। हाँ, मैं दुनिया चला दूंगा। शाबाश बेटा, शाबाश बेटा, मेरे लिए पानी लेकर आ। हाँ पापा। हाँ। अरे पानी क्या चीज है पापा। हाँ। मैं आपके लिए दुनिया चला दूंगा पापा। ओके बेटा, ओके बेटा, पाव में जरा मालिश कर दे। अरे मालिश क्या चीज है पापा। मैं आपके लिए दुनिया चला दूंगा पापा। झापड़ी का चुबाई, दुनिया चला दूंगा, दुनिया चला दूंगा। अरे दुनिया क्या तेरे बाप की है? अभी मजा आएगा पापा। बेटी वापिस बोल। पापा चूई बिस्किट। तो बिस्किट मुंह से बाहर निकाल के बोलना। अभी 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 इसे वो करवाते हो? नहीं, हमारी बहू है, नहीं कराना चाहिए। ठीक है कराते। बेटी ये बोल के दिखा, पके पेड़ पे पका पपीता, पका पेड़ या पका पपीता। पके पका पपीता, पका पपीता। अंजलि जा सौपड़िया। एक सेकंड, तू जो बोल रही है मुझे टेक्स्ट कर देना जा। उमा कुरैशी, चाय ठंडी हो गई, चाय गरम करके ले क्या? अभी 2 मिनट बाद वापिस आएगी, बहुत मजे करेंगे। आपको याद है मैंने आपको एक दिन एक आइडिया बताया था कि मैंने बच्चों को सूसू कराने वाला एक सीटी बनाया। हाँ। ये पहले एपिसोड में ही एलिमिनेशन है क्या? नहीं तो? तो मेरे को एक ही मौका क्यों दिया है लोग? एक्शन पापा। पापा, पापा, अरे पापा, बेटा, मैं तेरे को दिखाई दे रहा है ना? अरे दिख रहा है, क्या प्रॉब्लम है आपको? अगर नहीं दिखता रहेगा ना तो ये लाल चश्मा यूज कर। मैं लाल चश्मे में से दिखता है। मेरे को एक बात बोल। हाँ। अगर मिस्टर इंडिया का अनिल करेगा तो इससे बेटर करेगा क्या? सॉरी बेटा, सॉरी, तू कंटिन्यू कर। आप चालू करो अपना। हाँ बेटा, मैं कर रहा हूँ। पापा, पापा। सुन रहा हूँ, बहरा नहीं हूँ मैं। बारात की घोड़ी हूँ, सहरा नहीं हूँ मैं। सहरा नहीं हूँ मैं। सिंह हूँ, मेहरा नहीं हूँ मैं। मेहरा नहीं हूँ मैं। अभी इसे वो करवाते हो? बेटा वो बोल के दिखा, तस जीवात जीव खुटमळ, तस पेरतीच वाढतंय बळ। जस जीव ची ची जू, जीव जू ची। जस तो पीडा गीतांजलि। पापा, जब वो चाय लाती है तो आप चुपचाप पी क्यों नहीं लेते? एक मिनट। उमा कुरैशी, बेटी चाय ठंडी हो गई, जा वापिस गरम करके ले क्या? तुझे कहा ना, एक बार अंदर जा, टेक्स्ट कर देना जो भी बोलना है। मुझे एक बात जानी है पापा। जब गीतांजलि नई नई आई थी वो बड़े नॉर्मल बात करती थी, मगर धीरे धीरे उसके अंदर राखी उड़ाती जा रही है। ऐसा लगता है मुंह खुलते ही बोलेगी, मेरे करण हर सिंह आएंगे। Why is it so, पापा? ऐसा क्यों हुआ उसके साथ? इसमें उसकी कोई गलती नहीं है बेटा। Then? इसमें तेरे पापा का हाथ है। कैसे? एक बार तेरे बीवी ने मोमोज मंगाए थे, मोमोज, उसके मेयोनीज में मैंने गोंद डाल दिया था बेटा। मोमोज तो मालूम है ना, जो चटनी के साथ खाते वो मोमोज, वो मोमोज जो मराठी में मोदक होते हैं लेकिन मीठे नहीं होते, वो मोमोज। वो मोमोज जो सफेद चटनी के साथ भी खाते, वो मोमोज, वो मोमोज। पापा स्टॉप इट यार, क्या लगा रखा है? मोमो 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 मोमो, दिमाग फट गया है मेरा। तो पापा पापा सुन के मेरे को कैसा लगता रहेगा बता?
पापा, ये बात इतनी खुशी से बता रहे हो, आपको तो शर्म आनी चाहिए। तो अपने बीवी से ज्यादा प्यार करता है या अपने पापा से? ऑफ कोर्स अपने पापा से प्यार करता हूँ, मैं सिर्फ आपसे प्यार करता हूँ पापा, और किसी से नहीं। आपको ये बात समझ में आनी चाहिए, सिर्फ आपसे प्यार करता हूँ पापा। हाँ बेटा हाँ, आई एम प्राउड ऑफ यू, आई एम प्राउड ऑफ यू, आई एम प्राउड ऑफ यू। बलबीर जी, ओरिजिनल पिक्चर में एक बार फूटी आंख देखा नहीं उसको, और इधर आके सीधा आई एम प्राउड ऑफ यू बेटा, तो बेचारे को अटैक आ गई ना। अभी अबरार से मेरा बदला कौन लेगा, मेरा बदला कौन लेगा? पापा, अरे यार, बदला तो मैं ही लूंगा पापा। मैं बहुत मजे किया भाई, लाइव परफॉर्मेंस देखा बहुत टाइम के बाद मैंने, और ये इतना वर्थ था। सब लोग इंदर भाई हो, केतन भाई हो, और सर आप तो जब एंट्री किए उसके बाद किल था, और अंकिता भी जो पकड़ के चल रही थी वो बहुत सही, बहुत क्रेजी, बहुत अच्छा। माइंड इज ब्लोइंग, हो रहा था ये पागलपन गाइस। सब लोग ने बहुत अच्छा किया, और ऐसे ही करते रहो गाइस, हमको हंसाते रहो, मस्ती दिलाते रहो, और की शायरी की बहुत बड़ी फैन हूँ। थैंक यू हुमा, लव योर शायरी। और हमारे यहाँ पे ना इन हाउस एक सोनी के एक और इंसान है जो खुद को शायर समझते हैं। कहाँ है? ये हमारे प्यारे मामा जी। शुरू करें? हाँ जी, हाँ जी, ठीक है, आइए। 1 2 3 स्टार्ट। वे यप, जिंदगी क्या बात है। मामा जी मैं पहले। इरशाद अर्ज। एक तो बड़ी छोटी सी बात है, ऐसे निकलेगी देखना कि किसी कोरियोग्राफर का ठप्पा नहीं लगा है, किसी कोरियोग्राफर का ठप्पा नहीं लगा है, मगर जिंदगी से बेहतर कौन नचाता है। धोखा, क्या बात है। मैं इस पे तो बहुत सारी सुना सकता हूँ। आप तो एक एक नाम लेते जाओ, शायरी हो जाएगी। चलो फिर इरशाद। रोज रूठ के चली जाती हो, हाय हाय, ऐसी क्या बेरुखी है। हाँ, क्या बात है। हम तो लॉयल हैं, हम कौन से मुनव्वर फारूकी हैं। एक ही बात है। तेरी सीरत साफ शीशे की तरह, मेरे दामन में दाग हजारों। परी भाई, हम तुम साथ दिखें, देखने वाले कहर बताते हैं। क्या बात है, क्या बात है। हर दरगाह के धागे में मांगा है सिर्फ तुमको। वाह, क्या बात। कभी जाके देखना, शहर पे शहर बताते हैं। मामा जी, ओफ। मैं शिल्पा जी भी तो पास आउट हूँ। यार देखो, एक बात है कि बात ये नहीं है कि हम लोग भिड़ रहे हैं, जुगलबंदी बोलते हैं इसको, ये मेरे काम को पसंद करते हैं, मैं इनके काम को पसंद करता हूँ। कई बार तो ये भी हुआ है कि इश्क में गिरते रहे, इश्क में संभालते रहे, इश्क में गिरते रहे, इश्क में संभालते रहे, कभी कभी एक ही अकाउंट से दोनों पैसे निकालते रहे। इसको उछालने पे तो नहीं आया है, पर तू बैठ मेरे भाई, मैं तेरे लिए एक शेर पढ़ता हूँ। बैठ भाई, बैठ। अरे वाह, क्या बात है। इंडियन टेलीविजन वही दिखाता है जो टीवी के बाहर चल रहा होता है। तो बाहर चल रहा है शादियों का सीजन, तो एक छोटा सा मुनव्वर का स्वयंवर तो यहाँ भी बनता है भाई। भाई मुझे आपके लिए मिक्री नहीं आती, क्योंकि मैं सिर्फ स्टार्स की करता हूँ। आप सुपरस्टार हैं सर, जोरदार तालियां मुनव्वर भाई के लिए। क्या बात है सर। अरे ए, कौन धोखेबाज बोला मुझे? हाँ, कौन धोखेबाज बोला? हाँ हूं मैं धोखेबाज। मैं हूं धोखेबाज। सच में मैं इतना बड़ा धोखेबाज हूँ, मैं कसम बता रहा हूँ। गीजर में पानी गर्म करता हूँ, ठंडे पानी से नहा के निकल लेता हूँ। ये तो कुछ भी नहीं, इतना बड़ा धोखेबाज हूँ मैं कि कैब बुक करता हूँ, ऑटो को हाथ देता हूँ, और मेट्रो के नीचे से पैदल निकल लेता हूँ। मेरी गर्लफ्रेंड बोलते तुम जिम मत किया करो। मैंने कहा क्यों? कहती तुम जिम कम करते हो और चीट डे ज्यादा मनाते हो।
लेकिन अब मैंने सोचा है कि डेट वेट छोड़ो यार, सीधा शादी करते, इसलिए मैंने अपना स्वयंवर रखा हुआ है। प्लीज अच्छी अच्छी कन्याओं के भेजिए। आह सर क्या बात है, आयशा तुम अरे यार तुम ब्रेकअप के 5 साल हो गए फिर तुम यहाँ क्या कर रही हो? हुमा जी जी इस लड़के ने धोखा दिया है मुझे। oh, no. मुझे ही नहीं सब लड़कियों को धोखा दिया है। स्टैचू ऑफ लिबर्टी पे जाता है ना तो स्टैचू के साथ लिबर्टी लेने लग जाता है। रोज डे पे हर लड़की को रोज देता है और हग डे पे स्टैंड अप करता है और बाद में लड़की आके इसको हग कर लेती हैं। अरे झूठ बोल रही, एक नंबर की झूठी यार। मेरी कोई गर्लफ्रेंड ही नहीं है। है कोई गर्लफ्रेंड मेरी? है कोई गर्लफ्रेंड मेरी? अरे यार तुम्हारी जी अपनी आंखों से देखो। अपनी आंखों से देखो, इतनी तो इंदर सहानी के फैंस नहीं है जितनी इसकी गर्लफ्रेंड्स हैं। तो क्यों आई उस नंबर पे? मेरा 3rd month चल रहा है। अरे गलत मत सोच, तूने मेरे को मोबाइल दिलाया था ना EMI पे, तो उसका EMI चल रहा है। 3rd month में ब्रेकअप करेगा तो भी आगे का EMI मेरे को भरना पड़ेगा। शादी कर ले मेरे साथ। ठीक है एक्चुअली क्या है कि अपने पास बहुत सारा ऑप्शन है, पता है आज की डेट में सलमान सर से ज्यादा ऑप्शन मेरे पास है, तो प्लीज अगला ऑप्शन भेजिए। अरे सलमान सर तो खुद ऑप्शन में आ गए। सर ये घूंघट क्यों पहन के आए थे आप? वो एंट्री नहीं मिल रही थी, दूसरा चैनल है ना। सर वो सब तो ठीक है सर, लेकिन मेरे स्वयंवर पे क्यों? मुझे जैसे पता चला कि तू शादी कर रहा है मैं बीच मेकअप में से उठकर चला आया। इधर आमिर की 2 हो गई, सैफ की 2 हो गई, मेरी 1 नहीं हो रही। अच्छा शादी में तू अकेली आई है क्या? क्या कोई और भी लड़की है? है ना हुमा जी? क्या? अरे हुमा जी बुलाएंगी, बहुत सारे ऑप्शंस है। प्लीज हुमा जी इस बार कोई मिस वर्ड ही बुलाइए। प्लीज हुमा जी प्लीज बुलाइए ना। अगली लड़की हाजिर हो। अरे मिस वर्ड का तो नहीं पता, लेकिन 2-3 दिन बाद आपको पूरा वर्ड मिस करने वाला है। क्या बोल रहा तू? अरे सब शादी कर रहे थे तो मैंने सोचा मैं भी मौके का फायदा उठा दूं। एक मिनट आंटी, तुम्हारी आंखों में मोतियाबिंद का टाइम है, आंखें लड़ाने का टाइम नहीं है। किसको आंटी बोली रे? तू अगर इसकी बहन ना होती ना तो ऐसा झापड़ लगाती मैं। एक मिनट बहन नहीं हूँ मैं इसकी। बताना मैं तेरी एक्स गर्लफ्रेंड हूँ, शादी करने है, बोलना। तू इसकी एक्स है? हाँ। इसमें तूने ऐसा क्या देखा जरा मैं भी तो देखूं। ए बुड्ढी। बहुत अच्छे। बहुत बढ़िया। ए सुन, इसका अर्थिंग खराब है, कनेक्शन तोड़ दे। अरे तुम लोगों के लिए ये डांस होगा लेकिन मेरी तो ये मजबूरी है ना। लेकिन ए तेरी क्या मजबूरी है जो इसे शादी करना चाहती है तू? हाँ कितना अच्छा शायरी करता है पता है क्या तेरे को? हाँ दिखा वीडियो, दिखा वीडियो, दिखा। कौन सी? अच्छा वाह वाह वाह, मैं तुझसे ही शादी करूंगी। बताता हूँ, रखिए। जावेद साहब का फोन था, कह रहे ये कलम जिसने लिखी उसका सर कलम कर दो। हाँ कर दो। मतलब मुन्ना गलत मत समझ, मुन्ना तू म्यूट होके भी कितना क्यूट लगेगा मुन्ना। बाजू हट। अरे ये तुझसे शादी करेगी तो सिर्फ बेटा देगी, मुझसे शादी कर मैं तुम्हें सीधा पोता दूंगी। अरे एक मिनट। उसे लॉयल लड़की चाहिए। अरे मैं हूँ ना, मरते दम तक तुम्हारा साथ दूंगी। हारमोनियम बजाना बंद कीजिए पहले। माता जी मुझे नहीं चाहिए आपका 3 मिनट का साथ। एक मिनट, बहुत कंफ्यूजन हो रहा है मुन्ना। एक काम करते, असली मुनावर बैठे तो उसी से पूछ लेते ना किससे शादी करेगा।
मुन्ना। हाँ बोल। देखो मैं ये मैं इंटरेस्टेड तो जरा भी नहीं हूँ और मैं ऑलरेडी टेकन हूँ। अब लोगों को नहीं पता होगा बट मैं अभी बताना चाहता हूँ कि हुमा ने मुझे प्रपोज किया था। और मेरी तरफ से हाँ है हुमा। इतना बड़ा धोखा, अरे मैं तेरे लिए अपनी मौत डिले कराई और तू इस पे जाके मर मिटा। मेरे पास एक प्लान है, असली मुनव्वर का कुछ कर नहीं सकते, ये नकली वाले को मारते। कैसी लगी आपको हमारी, मतलब आपकी आयश? बहुत अमेजिंग किया। और आप वांटेड अनवांटेड सलमान का लग रहे। और दादी आपने जो आकर वो डांस किया ना, गर्मी सोल्ड आउट हो गए थे हम सब तो। और भाई आप मुनव्वर बने थे ना, क्या क्या नाम आपका? गौरव। आपको मुझे रोस्ट करने की जरूरत ही नहीं थी, आप मुनव्वर बने वही बेइज्जती थी मेरे लिए। नहीं बट अमेजिंग यार, बहुत जोरदार तालियां, क्या मजे कराए, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत अमेजिंग था, बहुत मजा, बहुत ही मजेदार एक्ट, यू गाइस वर टू गुड। जोरदार तालियां पूरी टीम के लिए, अमेजिंग, क्या बात है। उमा, हम सब ने सुना है कि एक हाथ दे तो एक हाथ ले, और भाई हमारी बारी तो हो चुकी है यार मुनव्वर, हमने तो जो करना था तेरे साथ कर लिया है, और तूने जितना हमारा साथ दिया है, हमारा पहला एपिसोड 88 है भाई, मतलब थैंक यू सो मच। और अब हम लोग की मैडनेस में जाएंगे, अगर रूल है कि अगर हम किसी से मौका लेते हैं तो उसको मौका देते भी हैं, तो अब तेरी बारी है भाई, छील दे हम लोग को। खत्म कर दे हम लोग को, रिवर्स गियर ले, हमारे ऊपर से चुटलों की गाड़ी उड़ा के ले जा मेरे भाई, आ जा स्टेज पे। कोशिश कोशिश। पारितोष भाई कैसे हो? अरे यार मनोवर भूल जाओ। पारितोष भाई को सब सभी जानते, ताली इनके लिए। अरे अब कटेंगे। इतने बड़े आदमी है ये, गीता माँ को जानते हो? गीता माँ एक प्लेट में खाना खाते मतलब वो खा लेती है, उसके बाद जो बच जाता है वो ये खाते हैं। और पैसों की आज जो लेन देन हुई है, क्योंकि मुझे नजर भी आता है कि इनको जो पैसे मिलते हैं ना, वो जरूरी भी आजकल जैसे हालात चल रहे, क्योंकि फिल्मों के बाद टीवी कौन ही करता है। लेकिन हमारी तुम्हारी बात में हुमा को क्यों ला रहे हो? पारितोष भाई जितने आपके फैंस हैं ना, उतने बॉडीगार्ड मेरे बाहर खड़े हैं। और हुमा के उतने मेकअप आर्टिस्ट हैं। बीसी आंटी कैसे हो? पता है बीसी आंटी जो है ना, उसको पता है कि यहाँ पे रोस्ट वगैरह तो होता ही है, तो यहाँ पे लोग टांग खींचेंगे, आपके पिछले काम की बुराई करेंगे, तो इन्होंने कोई काम ही नहीं किया पहले। विशाल भाई कैसे हो? मैं तो गेम में ही नहीं हूँ सर। ये खेल मेरा नहीं है सर। नहीं लेकिन मैं बस चेक कर रहा था। मैंने आज सुबह ना गरीबों में आलू पूरी बांटा था, तो पेट भरा ना आज। और जैसा सलमान इन्होंने किया है ना आज, मैं कुछ भी बोलूंगा शेरा देख लेगा तुमको। गौरव भाई कैसे हो? मैं तो आप ही हूँ भाई, मत अभी तक ठीक था। उन्होंने मेरा एक्ट किया आज, पता है ना सबको, ठीक है। तो उसके लिए मैं भी उनको कुछ देना चाहता हूँ। आप जब यहाँ से अभी जाएंगे ना, तो गैंग्स और वाफसेपुर की DVD है, ठीक है, वो मैं आपको देना चाहता हूँ, क्योंकि उसके अंदर जितनी गालियाँ हैं ना, वो सब आपके लिए, ठीक है।
दादी हिमांगी, मुझे पहले पता चल गया था कि हिमांगी आई है। कैसे? क्योंकि बाहर ना चार महंगी कार पड़ी थी, उसके बीच में एक ऑटो था। लेकिन तुम जब अभी मुंह धो के आई थी ना, तब बहुत अच्छी लग रही थी। वो मेकअप था? नहीं। अब वो मेकअप रहे या नहीं रहे, मैं तो तुम्हें वैसे भी नहीं पहचानता। अरे हर्ष भाई, आपको पता है हर्ष भाई को हर शो पे स्टैंडिंग ओवेशन मिलती है। अच्छा? हाँ, जैसे स्टेज पे जाते हैं लोग उठ के चले जाते हैं। मुनावर, कैसा लगा भाई? हमारा पहला एपिसोड है, तू आया, मतलब हमने आज क्या क्या नहीं किया भाई, कितने गैग्स किए, कितने बॉलीवुड यू नो एक्ट्रेस की हम लोग ने, सलमान, ओहो। तो मैं बस यही कहना चाहता हूँ सारी ऑडियंस को कि ये सब जोक्स हैं, ये सब आपके लिए बनाया गया है, ये सब आपके लिए, मतलब हम लोग सिर्फ आपको हंसाने की कोशिश कर रहे हैं पूरे इंडिया को। क्यों मुनावर? डर तो टीवी पे भी लगता है। जस्टिफाई करता हुआ एक डरा हुआ कॉमेडियन। भाई तू तो छूट जाता है, मैं कभी छूटूंगा भी नहीं। राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर मुनावर, बहुत मजा आया। थैंक यू सो मच, थैंक यू मेरे भाई आने के लिए। क्या बेहतरीन शुरुआत करी है हमारे शो की तूने आके। तो आज की जो मैडनेस की महफिल है, लगाते हैं उसमें ब्रेक और लेते हैं अलविदा। कल फिर लौटेंगे रात 9:30 ओनली ऑन मैडनेस, मचाएंगे इंडिया को हंसाएंगे। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।